if I have to say one goal for myself, I think by the end of my career in the next 10-15 years, I would love to see Godrej fully representative of women, 50-50, especially in India. पहले जैसे हम मतलब 2 ही गर्ल्स थी ना, तो कभी कभी हम सोचते थे कि यहाँ पे भी बहुत सारी गर्ल्स होनी चाहिए, मतलब ऐसे फील होता था। फिर लास्ट 5-6 ईयर्स बैक शिवानी करके मेंटेनेंस में उसने ज्वाइन किया, हाँ उसने ज्वाइन किया, तो वो भी प्लांट में। तो बड़े मतलब हम लोग इतने खुश थे कि कैसे वो उसको हैंडल करेगी, ये करेगी। पर उसकी जो मैंने खुद जज किया था मोटिवेशन और उसका डेडिकेशन, ये सब देख के ऐसा लगा कि उन्होंने कैरी ऑन कर लिया अच्छे से पूरा। So I had a meeting with all the line managers along with the plant head. This was the mandate given by NISA at the time. Immediate reaction was we should not have girls in this plant. So I told her, why you are having apprehension about the girls? She said, we have never worked in the plant, and there is a different kind of work. They cannot take this kind of response. They cannot run the machine. They can not lift the weights and all. So it will be very difficult. And secondly, we are not responsible for their security. So I took a challenge, okay, I will be the responsible if anything goes wrong. So I put 6 girls, 2 in each plant, 2 in chemical plant, 2 in soap plant and 2 in engineering services. If you see today in our batchmaking of hair colors, all the entire batchmaking is done by the female workforce. And if you see our new packaging lines, so almost 40 to 50% of the packaging line is run by the female workforce. अपना जो देश है एक पुरुष प्रधान देश है, और वह सब जगह अपना एक अधिकार समझता है। कोई महिला जा रही है तो उसे लगता है ये मेरी प्रॉपर्टी है, उस पर एलिगेशन करते हैं, कुछ भी टोंटबाजी करते हैं, छेड़खानी करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं। और इस जगह पर जहाँ अभी वर्तमान में जहाँ पर मैं कार्यरत रही हूँ, भिंड में या मुरैना में, तो वहाँ पर तो ये आए दिन देखने वाली बात है, महिलाओं के साथ ये घटनाएं होती रहती हैं, और उसके लिए पुलिस हमेशा तत्पर रहती है, बस शर्त है कि वो हम तक पहुँचे। जब मैं आई थी उस टाइम पे गर्ल्स काफ़ी कम थी, मतलब ऑपरेशंस में भी 3-4 थी, मेरे प्लांट में तो 1 भी नहीं थी। CSP SM2 जो हम लोग देखते हैं, मेरे अंडर में जो आता प्लांट, तो वहाँ पर मैं अकेली थी, बट अभी हम 3 लोग हैं वहाँ पर भी। तो पहले गर्ल्स भी कम थी, लेकिन अभी काफ़ी बढ़ गई है, तो वो चीज़ काफ़ी कंफर्टिंग है हम लोगों के लिए। वो थोड़ी सी यानी सोच भी थोड़ी यानी अलग है पापा की इसके, हाँ बेटियों का ही साइड लिया। फिर बोलते भी थे इसके पापा कि हमेशा उन्हीं का साइड लेती है, तू थोड़ा सा समझा उनको थोड़ा अपने तरीके से। तो मैंने बोला जो कर रही हूँ गलत भी तो नहीं कर रही, सही तो कर रही है ना, वो कुछ गलत तो नहीं कर रही ना वो। So training of we ourselves, our larger I would say management. in terms of how to enable and create a working environment and enabling environment for them is the second piece we are doing, and we are bringing experts and specialists on that front also. And then working equally well with the recruitment agencies, with the local government bodies, etc. to train these people to work well in an industrial setup. Basically, I got support from my husband and his family कि हाँ, you can continue your job और फिर बाकी का जो भी होगा हम देखेंगे, आगे full support रहेगा हमारे side से। आप as a partner किसी के साथ जुड़ते हैं तो आपको एक partner को दूसरे partner को मतलब समझना चाहिए, जैसे कि इसका मतलब interest काफ़ी रहा है और ये अच्छा काम कर रही है, काफ़ी मतलब bonding अच्छी है इधर लोगों के साथ, तो मुझे लगा कि अगर ये job आगे continue करना चाहती है और इसका ये decision है। आजकल इधर अपना मालनपुर प्लांट में काफ़ी कुछ अच्छा मतलब डेवलप किया जा रहा है एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गर्ल्स, तो मुझे लगा कि ये डिसीजन अच्छा है और इसको जाना चाहिए आगे कंटिन्यू, तो मैंने इसको सपोर्ट किया उसके लिए। मेरे पूरी फैमिली में जितनी बड़ी भी फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है मेरी गांव के हिसाब से, उसमें मैं पहली ऐसी लड़की हूँ जिसने इतनी दूर स्टडी की और इतनी दूर जॉब कर रही हूँ अभी तक। तो उस चीज़ को लेके मतलब थोड़े अदर फैमिली मेम्बर्स पापा को बोल रहे थे, बट पापा ने ध्यान नहीं दिया, बोले कि नहीं उसने उसको मैं पढ़ाऊँगा, और वो खुद लेके आए थे मुझे गोदरेज में, खुद ज्वाइनिंग करवाई थी साथ में ही, सब कुछ पापा ने जितना भी सपोर्ट है मतलब मेरी फैमिली, माता पिता और मेरे भाई का। और इन फ्यूचर गॉड ब्लेस ऐसा कुछ ना हो, भगवान की दया रहे, लेकिन इन फ्यूचर परिस्थिति का किसी को पता नहीं है कि ऐसा कुछ भी होता है, तो मैं अपने पिताजी को ये तो नहीं है कि अगर फैमिली मेम्बर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उनको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई है नहीं उनके साथ में, उनकी बेटी उनके साथ में है। तो मैंने कहा मम्मी चाहे गवर्नमेंट करो या प्राइवेट करो, रहना हमको घर से बाहर ही है, आप कुछ भी कर लीजिए, आप चाहो गवर्नमेंट करो और मैं घर पे रहूँ, नहीं रह पाऊँगी। तो फिर पापा को ये बात समझ में आई, तो पापा ने फिर सपोर्ट ही किया, फिर थोड़ा बहुत अगर हिचके भी, तो फिर मेरे सपोर्ट सबसे ज़्यादा नाना जी करते हैं, तो उन्होंने मेरे सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा किया, पढ़ाई में भी और घर पे भी और यहाँ आए तब भी, और आ भी रहे हैं कल नाना, मैंने बुलाया है तो कहा नाना बोले कि नहीं हम आएंगे, आ भी रहे थे। Diversity, equity, and then the inclusion. This is our agenda going forward. Yeah. So we have made good progress in terms of diversity and all those things. But now we want to again step into the equity, inclusion areas, where I am sure we will get full support from our management in terms of driving this agenda. Some challenges will be there, but we will definitely overcome and move forward. और अब उनको देख के और वो शिफ्ट मैनेज कर रही है, हैंडल कर रही है, मुझे मतलब प्राउड फील होता है कि अब देखो चेंज और उस टाइम का चेंज देखो, मीन्स इतना ह्यूज डिफरेंस है, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर कभी कभी फील भी होता है कि शायद हमको ये बहुत पहले मिल जाता